सॉरी जी वेल आई वुड से रूबीज वुड बी वेरी सूटेबल फॉर वैलेंटाइन डे बिकॉज दे स्टैंड अ लॉट फॉर लव एंड आई लाइक रूबीज बट आई रियली लव द वाइट डायमंड एज वेल सो या वेल वो तो बिग बॉस था बिग बॉस तो डेफिनेटली आई मीन जैसे सलमान जी मुझे नोटिस किया बिग बॉस में आई थिंक दैट रियली चेंज्ड माई लाइफ ऑफ कोर्स क्योंकि बिग बॉस के बाद तो इट्स लाइक एवरी वन जस्ट नोज अबाउट मी लाइक मैं बाहर जाती हूँ और लोग मतलब आज तक बोलते हैं कि वो एली है बिग बॉस एली बिग बॉस एली सो या जी एक्चुअली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एक्चुअली फॉर दैट कि बिग बॉस का एक घर का रूल था कि सिर्फ हिंदी में बात कर सकते हैं इंग्लिश अलाउड नहीं है सो या मैंने थोड़ा सा ऐसा क्लिप्स भी देखा कि मेरा हिंदी कैसा था शुरू में एंड बट या इट रियली टॉट मी अ लॉट द बेसिक्स एंड ऑल और उसके बाद मतलब बिग बॉस के बाद मैंने तो कंटिन्यू किया अपना प्रैक्टिस और आजकल तो मुझे लगता है कि मेरा हिंदी तो काफ़ी अच्छी है कपिल बहुत टैलेंटेड है और मुझे लगता है कि वो मुझे लगता है कि उनका फैंस उनका काम बहुत बहुत पसंद करेंगे अब्बास मस्तान सर का पिक्चर में बिकॉज दे विल गेट टू सी ऑल्सो डिफरेंट साइड नॉट ओनली द कॉमिक साइड ऑफ हिम सो यस आई विश हिम ऑल द बेस्ट ऑल्सो रनिंग प्रोजेक्ट तो अब्बास मस्तान सर के साथ है ना कपिल शर्मा का डेब्यू उसके बाद और थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स है लेकिन अभी तक मैंने साइन नहीं किया सो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ अभी थैंक यू